नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 29 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए ये निर्देश। आज से शुरू होगी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा। इस दिन तक शिक्षकों को देना होगा वेतन, वरणाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में लू को लेकर इन जिलों में जारी हुआ अलर्ट। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अपनी बेटी को लेकर बताई ये बात। ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले इन बातों का रखें ख्याल। आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नेवल डॉक यार्ड में 10वीं पास वालों के लिए निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। नेवल डॉक यार्ड में 301 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 मई 2024 है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार www.registration.ind.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने ITI के साथ 10वीं पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 14 से 18 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए ये निर्देश। जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के अतिरिक्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार पहले और दूसरे चरण के 9 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में मतदान कम पड़े हैं, जिस वजह से बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चिंता जताई गई है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मतदाताओं के लिए बूथों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, साथ ही उन्हें बूथ तक लाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इंतजाम किए जाए। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे चंद्रवती देवी के बारे में। ये एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी। इनका जन्म बिहार में 19 अक्टूबर वर्ष 1909 में हुआ था। आज के दिन इन्होंने वर्ष 1992 में दुनिया को अलविदा कह दिया। इन्हें इनकी प्रसिद्धि वर्ष 1935 की प्रतिष्ठित क्लासिक फिल्म देवदास में चंद्रमुखी की भूमिका के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1929 में मुख्य फिल्म प्यारी में की थी और देवाकी बोस की क्लासिक मीराबाई में मीरा की भूमिका निभाने के बाद 1933 में स्टारडम मिला। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है, जिसमें विज्ञान और विधाता, फरियाद, राजकन्या, सखेर चोर आदि शामिल है। आज से शुरू होगी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा। 29 अप्रैल से बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा और विशेष परीक्षा का आयोजन होने वाला है। प्रदेश के 97 परीक्षा केंद्रों पर 11 मई तक परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में कुल 48,386 बच्चे शामिल होने वाले हैं, जिसमें से विशेष परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या 11,068 है, तो वहीं कंपार्टमेंटल में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या 37,318 है। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में देखने को मिलेगा। इसमें पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर के 2 बजे से शुरू होगी। बच्चों को हर हाल में परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा। प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने को लेकर चल रही है तैयारी। सरकार प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सरकारी स्तर पर सभी किसानों को पानी मिल सके, इसके लिए नहरों से पानी का उपलब्ध और सहज करवाए जाने की तैयारी है, ताकि किसानों को उनके जरूरत के मुताबिक खेतों में पानी मिल सके। इसके लिए मानक संचालन नियमावली जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं, साथ ही हर रोज नहरों की मॉनिटरिंग करने की तैयारी है। इसके अलावा सभी नहरों और नहर संरचनाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा। दूसरे चरण के मतदान में इस्तेमाल में आए EVM की कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही निगरानी। बिहार में दूसरे चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। इस दौरान 5 संसदीय सीटों पर चुनाव हुआ, जहां सभी प्रत्याशियों के भाग्य EVM में कैद हो चुके हैं। इन सभी लोकसभा सीटों के परिणाम 4 जून को आएंगे। बता दें कि EVM में कैद हुए ये फैसले कड़े पहरे के साथ स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। इसकी सुरक्षा का जायजा SP और DM खुद जाकर ले रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कई लेयर में इन मशीनों की सुरक्षा की जा रही है, साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर प्रत्याशियों के कार्यकर्ता भी पहरा दे रहे हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले इन बातों का रखें ख्याल। आज के समय में ड्राइविंग लाइसेंस लेना आम बात हो चुकी है। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले जरूरी है कि आप सही से ड्राइविंग की प्रैक्टिस करें। ड्राइविंग में अच्छी प्रैक्टिस होने पर आप ड्राइविंग टेस्ट में आसानी से पास कर सकते हैं। जिस कार से आप ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्राइविंग टेस्ट के दौरान उसी कार को साथ लेकर जाएं। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान खुद को शांत रखें और घबराने से बचें। ड्राइविंग टेस्ट अगर देने जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की अच्छी कंडीशन होनी चाहिए और साथ में सभी जरूरी दस्तावेज भी मौजूद होने चाहिए। अधिक गर्मी में ट्रांसफार्मर भी नहीं ले पा रहा ओवरलोड और बिजली हो रही गुल। प्रदेश के कई शहरों में अधिक गर्मी होने के कारण ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड नहीं ले पा रहा है, जिस वजह से ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जा रहा है और बिजली कट जा रही है। बिजली नहीं रहने के कारण लोग और भी ज़्यादा गर्मी से परेशान होते नजर आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर के ओवरलोड को देखते हुए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की कवायद शुरू की जा रही है ताकि लोगों तक बिजली पहुँचाई जा सके। आपको बता दें कि कई जगहों पर फेज ओवरलोड हो रहे ट्रांसफार्मर के कारण उड़ रहे हैं। आपके क्षेत्र में बिजली की क्या स्थिति है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस दिन तक शिक्षकों को देना होगा वेतन वरना अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। शिक्षकों के वेतन को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सख्त आदेश देते हुए कहा कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान किए जाएं। बता दें कि शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद प्रदेश के लगभग 6 लाख शिक्षकों को इसी समय सीमा के अंदर वेतन का भुगतान किया जाएगा। अगर शिक्षकों को सही समय पर वेतन भुगतान नहीं किया गया तो जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे दास ड्रिफ्टवुड म्यूजियम और पार्क के बारे में। दास ड्रिफ्टवुड म्यूजियम और पार्क भागलपुर जिले का एक अनोखा म्यूजियम है। ये पार्क भागलपुर में प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर के पास में ही स्थित है। यहाँ पर आपको लकड़ी के बहुत सुंदर सामान देखने को मिलते हैं। यहाँ लकड़ी की कलाकृतियाँ देखने लायक है। आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसका आप मजा ले सकते हैं। यहाँ लकड़ियों के काफी सुंदर स्कल्पचर बनाए गए हैं। दास ड्रिफ्टवुड म्यूजियम और पार्क गंगा नदी के पास ही बना हुआ है, जिससे यहाँ पर गंगा नदी का भी सुंदर दृश्य देखने को मिल जाता है और सूर्यास्त के समय यहाँ से दृश्य देखने में बेहद ही प्रिय लगते हैं। यहाँ पर आप आकर अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। ये पार्क भागलपुर में घूमने लायक एक मुख्य जगह है। भाषाई अकेडमी के एकीकरण के अंतिम दौर में चल रही प्रक्रिया। राज्य के सभी भाषाई अकेडमियों के एकीकरण करने की प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग द्वारा भाषाई अकेडमियों के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार कर रहा है। भाषाई अकेडमियों के एकीकरण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में है। मिली जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की प्रस्तावित सेवा शर्त भाषाई अकेडमियों के एकीकरण पर अंतिम निर्णय होने तक तैयार कर ली जाएगी। साथ ही ऑडिट का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। इन सभी कार्यों के साथ साथ भाषाई अकेडमियों की संपत्ति और देनदारी का आकलन भी करवाया जा रहा है। मालूम हो कि वर्तमान में संस्कृत अकेडमी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, बांग्ला, दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान और अंगिका अकेडमी भाषाई अकेडमी के रूप में कार्यरत है। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अपनी बेटी को लेकर बताई ये बात। बिहार से संबंध रखने वाले और अपने अभिनय के लिए जाने जाने वाले अभिनेता मनोज वाजपेयी ने इंटरव्यू के दौरान अपनी बेटी को लेकर कुछ बातें कही हैं। उन्होंने अपनी बेटी को खुद से बिल्कुल विपरीत बताया है। मनोज वाजपेयी की बेटी का नाम अवा है। उन्होंने बताया कि पहले वे अपनी बेटी को अंग्रेज कहते थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन अब उनकी बेटी हिंदी भाषा का सम्मान करती है और हिंदी भी बोलती है, जो कि मनोज वाजपेयी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर हिंदी नहीं आएगी तो बेटी को आगे चलकर दिक्कत होगी। बांका के मंदार रोपवे का परिचालन हुआ शुरू। शनिवार से नियमित रूप से बांका के बौसा में मंदार रोपवे का परिचालन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रोपवे के थ्रसर ब्रेक का कॉइल जल गया था, जिस वजह से 15 अप्रैल को रोपवे का परिचालन बाधित हुआ था। इस वजह से आने जाने वाले पर्यटकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में पर्यटन विभाग के रोपवे संचालक मुकेश कुमार ने बताया है कि कोलकाता से मशीनरी सामान का रिपेयर कर कुछ दिन पहले रोपवे का परिचालन शुरू हो गया था, लेकिन तेज हवा के पिछले 3 दिनों में रोपवे परिचालन बंद था। हवा की रफ्तार कम होने से दोबारा रोपवे चालू हो गया है। गर्मी की वजह से पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि रोपवे से औसतन जहां 300 से ज्यादा पर्यटक यात्रा करते थे, वहीं अधिक धूप और गर्मी के कारण उनकी संख्या 100 के करीब में पहुंच चुकी है।
फ्रिज में जगह पर रखा गया सामान तुरंत हो सकता है खराब। सब्जियां लंबे समय तक ताजी रहने के लिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जहां जिस बॉक्स में सब्जियां रखी जाती हैं वो बॉक्स भर जाने के बाद हम सब्जियों को फ्रीजर के नीचे वाले ट्रे में रख देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि फ्रीजर के नीचे वाले ट्रे में फ्रीजर का पानी जमा होता है, जिस वजह से रखी गई सब्जियां तुरंत खराब हो सकती हैं। सब्जियों के साथ साथ दूध या खाने की कोई दूसरी चीज भी यहाँ पर रखने से खराब हो सकती है, क्योंकि यहाँ फ्रीजर का पानी जमा होने के साथ ही फ्रीजर से निकलने वाली ठंडी हवा सीधे यहाँ पर पहुँचती है। प्रदेश में लू को लेकर इन जिलों में जारी हुआ अलर्ट। गर्मी को लेकर इस बार सभी का हाल बेहाल है। प्रदेश में आज भी लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग लगातार हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। औरंगाबाद, दरभंगा, शेखपुरा, सुपौल, नवादा, बांका, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, भोजपुर, नालंदा, सिवान, अरवल और भागलपुर में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। कूलर से ठंडी हवा चाहिए तो इतने दिनों में बदलने होंगे खास। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। अधिक गर्मी से राहत पाने के लिए हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो कूलर की ठंडी हवा लेना पसंद करते होंगे, लेकिन कई बार कूलर से ठंडी हवा निकलने के बजाय गर्म हवा ही निकलती है तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर आपके कूलर से भी गर्म हवा निकल रही है तो कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सालों साल तक हम अपने कूलर में लगे घास को नहीं बदलते हैं। कूलर के घास को नहीं बदलने से इसमें धूल जम जाती है, जिस वजह से हवा का सर्कुलेशन भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, ना ही घास से हवा अच्छे तरीके से पास हो पाती है। इसलिए इसे हर दो सीजन के बाद बदल देना सही होता है। कूलर की घास आपको बाजारों में 100 रुपये के करीब में आसानी से मिल जाएगी। राजद ने चुनाव आयोग से ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट से गिनती करने की कर दी मांग। चुनाव के इस दौर में बिहार में पोस्टल बैलेट को लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही है। विपक्षी दल द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती सत्ता पक्ष के फायदे के लिए की जा रही है। अब इसी बीच चुनाव आयोग से राजद ने बड़ी मांग कर दी है। इस मांग के तहत राजद ने कहा है कि नतीजों की निष्पक्षता के लिए ईवीएम की गिनती से पहले ही पोस्टल बैलेट की गिनती हो। इस संबंध में राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टल की गिनती बाद में की गई थी, जबकि उससे पहले जब भी मतगणना हुई है पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हुई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राम सागर द्वारा कहा गया कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो या बाद में क्या फर्क पड़ता है, लगातार हारने के कारण विपक्ष को रोने की आदत हो गई है, राजद को हार का डर सता रहा है, इसलिए इस तरह की मांग कर रही है। आप राजद के इस मांग पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एनडीए के प्रत्याशी का प्रचार करने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का बिहार दौरा। बिहार में 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वोटिंग की जाएगी। इन सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता बिहार में चुनावी रैली के लिए आने वाले हैं। बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करने बीजेपी से अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी आएंगे। इस बार पीएम मोदी का बिहार में 1 महीने में 5वां दौरा होगा। बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले 4 मई को पीएम मोदी दरभंगा आएंगे और यहाँ वे बीजेपी सांसद और प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं आज अमित शाह झंझारपुर और बेगूसराय में चुनावी सभा करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद 2 मई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के सामने खड़े किए सवाल। एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीए और सीएम नीतीश पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब हम सरकार में थे तो लाखों लोगों को बहाल करवाया, लेकिन ये लोग पिछले 10 साल से सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और काम नहीं किया है। भाजपा के लोगों को सड़क पर नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए। आगे तेजस्वी ने कहा कि हम जब सरकार में रहे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। इसके बाद जैसे ही हम सरकार से अलग हुए आपने देखा कि क्या हुआ है, पेपर लीक हो गया और लगभग लाखों बहाली रद्द हो गई। हम चाहते हैं कि उसकी परीक्षा जल्द हो जाए और बहाली जल्द शुरू की जाए। तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। इन दिनों चुनावी सभा में पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। अभी हाल में तेजस्वी यादव ने अपने एक चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी को झूठ की फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर करार दिया था। साथ ही तेजस्वी यादव पीएम मोदी की कई जगह मिमिक्री करते हुए भी नजर आए थे।
अब इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार सामने आया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश में कोई मजाक नहीं हो रहा है, बल्कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। देश की सरकार को चुनने के लिए लोग अपना वोट डाल रहे हैं। देश में लोकतंत्र है और ये किसी का गुलाम नहीं है। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में क्या किया है, इसके लिए तेजस्वी जाकर थोड़ा ज्ञान अर्जन करेंगे। आगे उन्होंने लालू यादव की चर्चा करते हुए कहा कि तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद ने अपने 15 साल के शासनकाल में बिहार के लोगों से मजाक ही तो किया है। आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक पिछले 5 में से 4 मैचों में जीत हासिल की है। अब सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भिड़ेगी। आईपीएल के इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर तालिका में शीर्ष 4 पर पहुंचना चाहेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में आपको बता दें कि इस टीम ने पिछले 5 मैचों में 3 में हार का सामना किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह रही है इस टीम की कमजोर गेंदबाजी। केकेआर की कमजोर गेंदबाजी को ही देखकर दिल्ली कैपिटल्स इसका फायदा उठाना चाहे। बता दें कि दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला कोलकाता में होने वाला है। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। 29 अप्रैल वर्ष 2010 में भारतीय इंजीनियर हरपाल कुमार ने एक ऐसे कैमरे का आविष्कार किया था जो लंदन में कैंसर पीड़ितों के पेट की जांच करके बीमारी का पता लगाने की बजाय उनके पेट का निरीक्षण कर सकता था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 2010 में पहले पोत INS शिवालिक को नौसेना में शामिल किया गया था। आज के दिन वर्ष 1965 में दीपिका चिखलिया का जन्म हुआ था। उन्होंने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में सीता की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाई थी। आज के दिन वर्ष 1936 में जुबिन मेहता का जन्म हुआ था। ये भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय संगीत निर्देशक थे। वंदे भारत स्लीपर बर्थ का ट्रायल इस दिन से होगा शुरू। भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत में स्लीपर बर्थ की सुविधा का ट्रायल करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का ट्रायल मई के महीने से शुरू हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि वंदे भारत मेट्रो का ट्रायल जुलाई महीने से शुरू होगा। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक वंदे भारत मेट्रो को 100 से 250 किलोमीटर की दूरी के शहरों के बीच चलाया जाएगा, जबकि वंदे भारत स्लीपर को 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि 124 से अधिक शहरों के बीच वंदे मेट्रो को चलाया जाना है, जिसमें लखनऊ से कानपुर, आगरा से मथुरा, दिल्ली से रेवाड़ी, भुवनेश्वर से बालेश्वर और तिरुपति से चेन्नई के बीच चलाए जाने की योजना शामिल है। बता दें कि वंदे भारत में स्लीपर बर्थ पर यात्रियों को ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की सुविधा भी दी जाएगी, साथ ही बेहतर क्वालिटी की सीट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे महिला पुलिस कर्मी को थाने में घुसकर मारने के इस वायरल खबर के बारे में। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जहां ये दावा किया जा रहा है कि गया जिले के मुफसिल थाना परिसर में घुसकर महिला पुलिस कर्मी से मारपीट की गई है, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। बिहार पुलिस ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस खबर के संबंध में पोस्ट शेयर किया है, जहां थाना परिसर में महिला पुलिस कर्मी की पिटाई से जुड़ी खबर का खंडन किया गया है। इसलिए इस तरह की खबर पर बिना किसी सत्यता की जांच किए यकीन करने से बचें। इस तरीके से आसानी से ढूंढ सकते हैं व्हाट्सएप पर पुराने वीडियो और ऑडियो। हमें से कई लोग होंगे जिनके लिए व्हाट्सएप सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है। व्हाट्सएप पर हमें अपने दोस्तों या परिवार और अन्य लोगों से चैट करने में आसानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पर आए ऑडियो और वीडियो ग्रुप या किसी चैट में पुराना हो जाने पर ढूंढना उसे मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक ट्रिक की मदद से आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप के होम पेज पर सर्च बार पर जाना होगा। इस पर सर्च करने के साथ ही आपको अनरीड फोटोज, वीडियोज, लिंक्स, GIFs, ऑडियो डॉक्यूमेंट्स और पोल्स आदि सबसे ऊपर में ही नजर आते हैं। यहाँ पर आपको अपने जरूरत के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। अगर आप वीडियो और ऑडियो ढूंढना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी वीडियो आ जाएंगे और आप अपने काम के वीडियो और ऑडियो आसानी से देख सकेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी है अशोक मौर्य। इसका सही उत्तर है भरत चक्रवर्ती। हरप्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी है राखल दास बनर्जी ने, ऑप्शन सी है MM वत्स ने, ऑप्शन डी अन्य ने। इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी ने।
तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी और भीम के बीच, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी और जयसिंह के बीच, ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी और अजयपाल के बीच। इसका सही उत्तर है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। निम्नलिखित में से किसने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है अशोक। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त काल के किस राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी है रामागुप्त ने, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त ने। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त ने। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है आमिर, अखिलेश कुमार, राजेश मानजी, प्रिया राज, अतीक खान, मोहम्मद जाकिर हुसैन, रंजीत कुमार, जितेंद्र कुमार सहनी, निवास कुमार, अनवर करीम खान, शोभानंद ठाकुर, अमर आजाद, आसरा, प्रभात कुमार, नीरज कुमार, सादुल्ला पालवी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है IPL के इस मैच में किस टीम का प्रदर्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।